लाइफ में सबसे पहले स्टार्टिंग ये हुई कि जब मैं ग्रेजुएशन करके निकला तो ये सोचते कि कहीं ना कहीं कुछ हर एक बच्चे की होती कि एक नौकरी करनी है, सर्विस करनी है, क्या है क्या नहीं है। तो उस टाइम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मार्केट था 90s में, वो एक बूम अप पे था। तो किस्मत से नौकरी मिल गई हमें टेलीविज़न बनाने की हॉटलाइन ग्रुप में, जिनके ओनर थे मुकेश अग्रवाल जी। तो जब वहाँ पे नौकरी शुरू करी तो साल डेढ़ साल के अंदर कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट आने लग गया तो फिर लगा कि क्यों ना कुछ इसी में हम अपना शुरू करते हैं स्मॉल स्केल की तरीके से। तो मात्र डेढ़ साल की नौकरी के बाद एक जगह हमने किराए पे ली और उसमें फिर हमने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया टेलीविज़न से रिलेटेड। 3-4-5-6 साल वो काम चलता रहा, तो उसी में फिर हमने और आइटम्स पकड़ ली। तो धीरे धीरे आज भगवान के आशीर्वाद से हुआ कि हम अपना ही टीवी बनाने लग गए। जिस स्थिति में हमारा बचपन गुजरा था, तो शायद ऐसी कोई सोच नहीं थी कि हम कभी अपना भी कारोबार करेंगे या अपना बिजनेस करेंगे। जब प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर हमने सर्विस करनी शुरू करी, जब लोगों को देखा, वहाँ का एनवायरनमेंट को देखा और ये भी पता चला कि हाँ शायद मेहनत करके कोई ना कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, तब ये सोच आई। बचपन में कोई ऐसी सोच नहीं थी कि कहीं भी हम भी एंटरप्रेन्योर का हमारे ऊपर तमगा लगेगा। जिंदगी में समस्याएं हर जगह होती हैं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत होती है फाइनेंस। फाइनेंस के बाद ज़रूरत होती है मार्केट। मार्केट के बाद ज़रूरत होती है आपकी अपनी काबिलियत कि आप उस पूरे शो को कैसे रन करते हैं। फाइनेंस का ये था कि इतनी अच्छी स्थिति से नहीं थे, आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन घर का, थोड़ा बहुत बैंक का, थोड़ा बहुत यार दोस्तों का, क्योंकि मैंने ये देखा कि ग्रुप के अंदर अगर एक यार दोस्त, एक दोस्त पूरे ग्रुप में अगर राइज करना चाहता है तो बाकी दोस्त भी उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं कि कोई तो निकले आगे। तो सबका सहयोग मिला, सबकी मदद मिली। मार्केट वो थी कि जहाँ पे मैं खुद नौकरी कर चुका था, उनको गुड फेथ के ऊपर लिया, तो उसमें जाके इस चीज़ की शुरुआत करी और प्रभु के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त हुई। आज सोच अपनी ये आ गई है कि अपने लिए जितनी ज़रूरत है, अपने परिवार के लिए जितनी ज़रूरत है, वहाँ कहीं ना कहीं प्रभु ने पहुँचा दिया है। आज अगर हम सक्षम हैं तो अपने साथ साथ दूसरे की मदद कर पाएँ, उसकी तरफ मेरा ज़्यादा गोल है।